Okay, students. So I felt very nice after interacting with you. And now I will be starting a very interesting topic in mathematics, and that is trigonometry. Now, what is trigonometry? Trigonometry. फिर explain करो trig क्या होता है. It has derived trigonometric word कहाँ से निकला है? It has been derived from this word, which means trig means this, metry means this. Combination means जो भी होता है. ऐसे करके explain करना start करो. Basic. यस मैम, Okay, ओके and मैम, here यस मैम, we will be I'll be using certain tricks with you by यस which you मैम, can learn the formulas in an easier way. और इंट्रोडक्शन में ना आपने बाकी तो आपका अच्छा गया, पर इंट्रोडक्शन कुछ खास नहीं था. इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए सुनो. जैसे कोई मुझे पूछेगा आई विश इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आवाज आ रही है, यस मैम, यस मैम, तो मैं बोलूंगी हेलो एवरीबॉडी या गुड मॉर्निंग मैम या गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज मिसेस आयुषी जुयाल. पहले देखो, इधर देखो, आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी. पहले आप ये देखो जो मैं समझा रही हूँ. सो माय नेम इज मिसेस आयुषी जुयाल एंड आई एम फ्रॉम श्रीनगर गढ़वाल. इट इज अ स्मॉल टाउन इन द वैली ऑफ हिल्स ऑफ उत्तराखंड. इफ आई टॉक अबाउट माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आई एम अ ग्रेजुएट एंड अ पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ डेली. माई स्ट्रेंथ आर I love to interact with people. I'm quite positive. I'm an active listener, active participator. I have good communication skills and loads of confidence. My hobbies are I love reading storybooks and cooking. That's all about me. Thank you. अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बोलो, अपनी हॉबीज के बारे में बोलो, ठीक है? थोड़ा इंट्रोडक्शन पे और वर्कआउट करो, ठीक है सुमित? यस मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ रही है. नेटवर्क कहीं ना कहीं आपका फेस नहीं दिख रहा है बीच बीच में, यस मैम, तो ऐसा कोशिश करना इंटरव्यू के टाइम पे जैसे मैं दिख रही हूं आपको, आप ऐसे दिखने चाहिए, पूरा क्लियर बैकग्राउंड. ओके मैम, अब आ जाते हैं हम डेमो वीडियो पे. डेमो वीडियो समझाने का तरीका बहुत अच्छा है आपका, वेरी गुड. पर जब यस मैम, आप रिसेंटली रिसेंटली वड़ा बहुत यूज कर रहे थे, रिसेंटली रिसेंटली रिसेंटली, आप रिसेंटली को आप क्या क्या बोल सकते हो यस वो नेट मैम, पे सर्च करो. सिनोनिम्स ऑफ रिसेंटली, एट प्रेजेंट. ओके मैम, रिसेंटली को और क्या क्या बोल सकते हो, सिनोनिम्स यूज करो उसके बदले के, बट वो वर्ड मत यूज करो बार बार, ठीक है? सेकेंड, यस मैम, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था, पर जब आप रेड डेमो वीडियो दे रहे हो टर्म्स एंड कंडीशन बायजूस की, ये होती है कि आप ही दिखने चाहिए वीडियो में, ओके मैम, आप नहीं दिख रहे थे. आपने ऐसे, और दूसरा आपने फोन अपना ऐसे पकड़ रखा था ना, एक्सप्लेन कर रहे थे, फोन हिल रहा था यस बहुत, मैम, आप बहुत हिल रहा था फोन. ऐसे यस बनाओगे तो सिलेक्शन यस नहीं होगा मैम, ऐसे में, बहुत डिफिकल्ट है. डेमो वीडियो कैसे बनाना है पता है? या तो अगर आपके पास व्हाइट बोर्ड है पीछे, व्हाइट बोर्ड रखो और ओके मैम व्हाइट बोर्ड में एक्सप्लेन करो. व्हाइट बोर्ड नहीं है आपके पास, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लो. चार्ट पेपर में जो भी टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना है, पहले से कलरफुल पेन के साथ ट्रिग्नोमेट्री यस टॉपिक मैम, टॉपिक रख लो. उसमें पंडित बद्री प्रसाद जो जो आपका था ट्रिग्नोमेट्री के साइंस, पहले से लिख लो सब, ठीक है? जब आप पहले से सब कुछ ओके लिखोगे फिर एक्सप्लेन करना. जैसे ये चार्ट पेपर है, मैम, ये बड़ा सा चार्ट पेपर है, इसको लेके ओके बोल दो जरा, जो भी आसपास है ना उन्हें बोल दो, म्यूट करके बोल दो. अभी मैम, कोई है आसपास, ईजा या कोई, उनको म्यूट करके बोल दो कि विशाल. नो नो मैम, नो नो मैम, ओके, तो ये जैसे चार्ट पेपर है, फाइन. इस चार्ट पेपर में यस मैम, यस मैम, एक्सप्लेन, पहले से ट्रिग्नोमेट्री लेके रखना, कलरफुल पेन से करना, फिर एक्सप्लेन करना. ओके फ्रेंड्स, टुडे वी विल एक्सप्लेन द टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्री. अच्छा, मोटे मोटे लेटर से लिख देना चार्ट पेपर में, अच्छे से समझा देना. ओके ट्रिग्नोमेट्री, मैम, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, फिर बताना, एक्सप्लेन करना बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से, भागना नहीं है. ये देखो, नाउ दिस इज द टेबल, वी हैव टू लर्न द टेबल. हम टेबल को इजी वे में कैसे लर्न करेंगे, दैट्स द फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. नाउ ऐसे करके फिर एक्सप्लेन करना, ओके मैम, बट मेक श्योर आपका फोन ऐसे ऐसे ना हिल रहा हो. फोन को एक जगह प्लेस कर देना, लैपटॉप को जहां रहेगा वहीं रहेगा. एक्सप्लेन आप ऐसे में करना, ओके मैम, बड़ा सा चार्ट पेपर को बहुत क्रिएटिव वे में, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको क्रिएटिविटी का यूज करना पड़ेगा. यस मैम, से पहले पढ़ाने से पहले मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ रैपो फॉर्मेशन तो करो. सपोज आप किसी नए टीचर, नए आपका सिलेक्शन किसी स्कूल में हुआ है, तो आपको बच्चों तो आपको नहीं जानते,
रैपो फॉर्मेशन करोगे, अगर वो आपको बोलेगा एचआर स्टार्ट्स, डेमो डेमो एक्सप्लेन करो। हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर डूइंग गुड? ओके, माय नेम इज सुमित पान एंड टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग योर टॉपिक इन मैथ्स। उससे पहले, बिफोर दैट, टेल मी हाउ डू यू फाइंड मैथ्स? फॉर द पीपल हु फाइंड इट इजी, वेरी गुड, एंड फॉर द पीपल हु फाइंड इट टफ, आई विल मेक श्योर दैट इट साउंड्स बी वेरी इजी फॉर यू। हाउ? वी विल यूज सर्टेन टिप एंड ट्रिक बाय विच द कंसेप्ट विल बी क्लियर टू यू इन अ मोर इजियर वे। देन स्टार्ट, समझ रहे हो? यस मैम। वेरी गुड। कैमरा बहुत मूव कर रहा था आपका, यस मैम। कैमरा को एक जैसे रखना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो मैम। यस मैम। फिर आपने एक और जगह टोन टोन को थोड़ा और क्लियर करना है अपनी टोन को, ठीक है? एवर की आप 5 मिनट की वीडियो बनाइए, डेमो वीडियो फर्स्ट पे, तो मैं उसमें इनिशियली मैं इंट्रोडक्शन देने के बाद सीधा चैप्टर कैसे स्टार्ट करूंगा मैं, थोड़ा मुझे इसका आइडिया बता दीजिए आप। रैपो फॉर्मेशन करना पहले, जैसे मैंने आपको समझाया। यस मैम। उसके बाद बोलना ओके स्टूडेंट्स, सो आई फेल्ट वेरी नाइस आफ्टर इंटरेक्टिंग विद यू एंड नाउ आई विल बी स्टार्टिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन मैथमेटिक्स एंड दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। नाउ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सप्लेन करो ट्रिक क्या होता है। इट हैज डिराइव्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड कहाँ से निकला है? इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड व्हिच मींस, ट्रिग मींस दिस, मेट्री मींस दिस, कॉम्बिनेशन मींस जो भी होता है, ऐसे करके एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो बेस से। यस मैम। ओके, एंड हियर वी विल बी आई विल बी यूजिंग सर्टेन ट्रिक्स विद यू बाय व्हिच यू कैन लर्न द फॉर्मूलाज इन एन इजियर वे। मैथ्स इज ऑल अबाउट हैविंग फॉर्मूलाज, राइट? यस। एंड वेयर एवर यू विल फाइंड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड्स, वी विल स्टार्ट द टॉपिक। जल्दी जल्दी करना है, ऐसे नहीं कि पूरा टाइम आप समझाने में लगा। सो आई विल एक्सप्लेन योर टॉपिक एंड व्हाइल आई एक्सप्लेन यू, इफ यू विल फाइंड एनी प्रॉब्लम रेज योर हैंड। ओके, सो लेट स्टार्ट। स्टार्ट करो, आराम आराम से बोलना मैम, स्टूडेंट्स करके बोलना है ना उसमें। हाँ, स्टूडेंट, जैसे ही एचआर आपको डेमो वीडियो के लिए बोलता है तो एचआर नहीं है वो, एज अ स्टूडेंट ऐड कर रहा है, आपको स्टूडेंट के लेवल में आके समझाना है उसको। ओके, ठीक है? यस मैम। व्हाई शुड वी हायर यू? व्हाई शुड वी हायर यू में आपको बोलना है मैम, बिकॉज आई हैव द स्ट्रेंथ, आई एम पैशनेट अबाउट टीचिंग मैथमेटिक्स एंड आई हैव लोड्स ऑफ नॉलेज, आई ओनली नीड अ प्लेटफॉर्म वेर आई विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस माई टैलेंट एंड माई नॉलेज। उन्हें बोलना कि मेरे पास सब कुछ है, कला मेरे पास है, स्किल्स मेरे पास है, मुझे मंच चाहिए जहाँ मुझे अपनी नॉलेज को पोर्ट्रे करना है। Yes. भाई तो अच्छे से मैंने कई इंटरव्यूज में सिखाया लोगों को ये आंसर कैसे देना है, देखना उसको भी, ठीक है? वी विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू एज वेल, ठीक है? आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। ओके मैम। कोई डाउट है तो यस पूछो पूछो। और उस टाइम पे मैं ड्रेस क्या वेयर करूं जिस टाइम पे मैं डेमो वीडियो शूट कर रहा हूं? फॉर्मल नॉर्मल जो पहना है, और प्लेन, जैसा अभी आपने टी शर्ट पहना, प्लेन टी शर्ट होगा तो प्लेन टी शर्ट पहन लेना, प्लेन शर्ट टी शर्ट कुछ भी। यस 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 है ना? और बैकग्राउंड मैम व्हाइट बैकग्राउंड रख लेना मैम। हाँ, वाई मतलब ऐसा बैग, जैसे देखो जैसे मैं आपको क्लियर दिख रही हूँ ना, हमें भी अच्छा लगता yes, है। हमें जब, अगर मैं भी ऐसे एनवायरनमेंट, ऐसा बैकग्राउंड होता तो मैं भी ठीक से इंटरव्यू नहीं ले पाती, क्या आप मुझे ठीक से देख नहीं पाते, तो आपको भी कहीं ना कहीं होता ना यार, तो विजिबल ही नहीं था ठीक से, बात ही नहीं कर पा रहे थे ठीक से, yes, तो नेटवर्क प्रॉब्लम। सिर्फ देखो इंटरव्यू आपका 40 मिनट्स का होगा, तो 40 मिनट तक नेटवर्क प्रॉब्लम वाला मत करना, कैमरा अच्छी क्वालिटी का वो रखना, नेट अपना कहीं कैमरा प्रॉब्लम नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो जाए। सेकेंड, क्योंकि अभी आप बीच बीच में बहुत दिख नहीं रहे हो, आप एक्सप्लेन क्या करोगे समझ भी यस नहीं मैम। आएगा, यस मैम। ठीक है? कैमरा अच्छी क्वालिटी का रखना, बैकग्राउंड व्हाइट रखना, प्लेन एकदम, तब एक्सप्लेन करना। एक तो आजकल मैम मैं थोड़ा गांव आया हूँ ना, तो यहाँ पे नेटवर्क इशू रहता है, अदरवाइज मैं अल्मोड़ा रहता हूँ, वहाँ पे स्टडी मेरी सब अल्मोड़ा से ही होती है, ट्यूशन वगैरह सब अल्मोड़ा में ही है, तो थोड़े दिन में थोड़ा घर आया, बताओ उस चक्कर में मैम अभी नेटवर्क इशू चल रहा है। कोई है आसपास इधर कोई ऐसा घर है जहां पर नेटवर्क इशू नहीं होगा? मैम इंटरव्यू की मैम अभी अभी डेमो वीडियो शूट करनी है, उसके बाद 3 वीक तक का टाइम, 3 वीक के अंदर कोई बोलेंगे मैम मैं अल्मोड़ा चल जाऊंगा, तो
ऐसा करना, सुमित एक बार इंटरव्यू से पहले, जब आपका इंटरव्यू होगा उससे पहले भी एक मॉक इंटरव्यू ले लेना, चेक करने के लिए कि फिर से कैसा गया आपका क्लियर। हाँ वो इंटर यस आप मैम, ही मेरे मत पास देना, एक इंटरव्यू से पहले लेना। यस 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 मैम, मैंने विकास सर को अभी यही बोला कि जिस टाइम पे मॉक इंटरव्यू होगा उससे कुछ दिन पहले आप इंटरव्यू ले लीजिएगा मेरा का। कुछ दिन नहीं, जिस दिन आपका प्रॉपर इंटरव्यू होगा उससे कुछ एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले लेना। उससे क्या होगा, जो भी मैं आपको सिखाऊंगी ना, आपको ऐसा, आपको डर ही नहीं लगेगा कि आप इंटरव्यू दे रहे हो। आपको लगेगा जैसे आयुषी मैम ने लिया था वैसे तो ले रहे हैं। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कैंडिडेट यस मैम, को, मॉक इंटरव्यू एक और जरूर लेना, क्योंकि मुझे ना विश्वास आ जाता है कि यार नहीं यार इसका हो जाएगा। कि हम तो इतने इंटरव्यू, एक दिन में हम यस दस दस मैम, पंद्रह पंद्रह इंटरव्यूज लेते हैं, हमें पता रहता है किस पे पोटेंशियल है किस पे पोटेंशियल नहीं है। जिसका मेरे को पोटेंशियल नहीं यस लगता मैं मैम, उसको बोलती हूँ अभी मत दो इंटरव्यू, डोंट गो फॉर इंटरव्यू, पहले और यस मैम, प्रैक्टिस करो तब जाओ। यस मैम, एक बार इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा ना फिर मैम 6 महीने उस नहीं दे सकते। यस मैम, मैम उसमें मुझे कल मेल आई मैम, 10:18 AM पे आई मुझे मेल वो, कि आप इस पे डेमो वीडियो आप सबमिट करिए। तो मैम कितना टाइम मुझे, कितने टाइम में मुझे सबमिट करना पड़ेगा वो? कर दो कर दो कर दो आजकल में, कर दो फटाफट। अच्छा मैम, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह भी ठीक नहीं है, नहीं तो मैं सोचा था एक बार अल्मोड़ा जाकर के वहां पे व्हाइट बोर्ड पे, मैं जिसमें बच्चों को पढ़ाता हूँ व्हाइट बोर्ड में अच्छे से बना करके सबमिट कर देता। पर ऐसा ना, जितनी जल्दी डेमो वीडियो सिलेक्ट करोगे उतनी जल्दी तुम्हें कॉल भी आएगी फिर इंटरव्यू के लिए। सुमित यस 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 मैम, ठीक है मैम, मैं ना ऐसा जितनी करो जल्दी हो कि सकता है मैम अल्मोड़ा जाकर। हाँ जाए आया। अल्मोड़ा कितनी दूर है तुम्हारे यहाँ से? मैम यहाँ से पास 30 किलोमीटर है मैम। हाँ तो चले जाओ ना डेमो वीडियो शूट करके, फिर क्या पता तुम्हें जल्दी कॉल भी आ जाए। यस मैम, बाकी तो कुछ इश्यू नहीं था ना मैम, कल को चाचा आ रहे, एक तो वो बारिश श्राद्ध होता है ना, तो बारिश श्राद्ध होने के बाद थोड़ा मंदिर वगैरह जाना था, तो तब अंकल आने वाले हैं, उस वजह से थोड़ा मैं यहाँ रुका हूँ। तो ऐसा करो, तुम्हारे गांव में आसपास किसी का घर है ऐसा कंक्रीट का जहाँ व्हाइट वॉल होगा? यस मैम, होगा कोई होगा, किसी का घर होगा आसपास यस किसी का जहाँ व्हाइट वॉल होगा, तो वहां जाओ, वहां जाके वीडियो बना दो। वीडियो बनाने के बाद उसको भेज यस दो। कम से कम मेरे को यस ये मैम, है, मेरे को ये है कि जैसे अभी जैसे आपको तुमको मेल आया, वैसे बहुत लोगों को भी मेल आया होगा ना। यस वैसे मैम, ही तो अगर सब बना के भेज देंगे तो फिर इंटरव्यू के लिए डेट भी तो देंगे वो लोग, तो ऐसा नहीं होना यस चाहिए। मैम, फटाफट वीडियो अच्छे से बना के भेजो। एक बार जब वीडियो बनाओगे तो थोड़ा सा यस उसका वीडियो भेज के एक बार विकास सर को भेजना, मैं भी चेक कर लूंगी कैसा बनाए हो। यस यस तो बनाओ वीडियो और भेजो यस मैम, फटाफट, डेफिनेटली ठीक है? ठीक है मैम, मैं बना के भी। यस मैम, अच्छी जगह कोई लोकेशन होगा जहाँ व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड भी नहीं भी होगा तो वॉल प्लेन होगा, कुछ चार्ट पेपर से कुछ तो कुछ क्रिएटिविटी करो। मतलब जल्दी में आज यस आज मैम, में भेज दो, पूरे दिन भर क्या करोगे, चाचा कल आएंगे ना, आज बना के भेज दो।